राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैं अपनी बहन से बहुत लड़ाई करती हूँ, क्यों? माइक पास में लो। मैं अपनी बहन से ना बहुत लड़ाई करती हूँ, छोटी छोटी बात में मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझसे लड़ती रहती हूँ। छोटी बहन भी आई है? नहीं, मैं छोटी हूँ, मेरी बहन बड़ी है। अच्छा, तो आप लड़ाई करते हैं? कभी कभी हो जाती है छोटी बातों पे। तो मारते हैं उसको? मारती नहीं हूँ, बस उल्टा बोल दी थोड़ा। कोई बात नहीं, उल्टा बोलने का ऐसा है कि जब गुस्सा आया करे चुप रहा करो। क्या रहना है? चुप रहना है। देखो हमें ना ये बताओ, जब आप साइकिल चला लेते हैं, गाड़ी स्कूटी एक्टिवा इत्यादि? नहीं, वो नहीं आती। चलो साइकिल चलाए, तो साइकिल जब आप चलाते हैं और आपको जहाँ लगता है कि यहाँ ब्रेक लगाना चाहिए तो वहाँ ब्रेक लगा लेते हैं, तो ब्रेक आप ही लगाते हैं कि किसी को बुलाते हैं, भैया जरा ब्रेक लगा दो? हाँ, जैसे आप अपनी साइकिल में, अपनी ड्राइविंग में आप स्वयं पैडल पर पांव रख के कितनी स्पीड बढ़ानी है आपके हाथ में है, कब ब्रेक लगाना है आपके हाथ में है। उसी प्रकार क्रोध आपका दुश्मन है, आपका शत्रु है और आपका गुलाम है। इसलिए इन गुलामों को गुलाम बना के रखो, क्रोध रूपी गुलाम, क्रोध गुलाम है, तो क्रोध को गुलाम की तरह रखो, इसे मालिक ना बनाओ, ठीक है? और जहां जरूरत पड़े वहां क्रोध लाना है, जहां नहीं पड़े तुरंत कंट्रोल दबाना है ब्रेक, और आप चुप रहेंगे। देखो अभ्यास से साइकिल, पहली बार जब आप चढ़े साइकिल पर तो एक बार में ही आ गई थी क्या? सीखा था ना अभ्यास, जैसे सीखने से साइकिल आई, ऐसे जीतने से भी क्रोध को जीता जा सकता है। जीतना, क्रोध को जीतिए। गुरुजी मैं पढ़ाई तो करती हूं, मेरा ध्यान भटक जाता है, मतलब कुछ भी कर रही हूं ना तो ध्यान भटक जाएगा पढ़ते-पढ़ते। कहां जाता है ध्यान आपका? कुछ भी, मतलब जो चीज मुझे नहीं आती है, अभी मैं बेसिक कंप्यूटर सीख रही हूं तो मेरे ध्यान वहां से चले जाएगा कैसे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता है, आपको ही करना पड़ेगा। जैसे ब्रेक आपको ही दबाना है, सारा काम मैं कितना भी आपको ज्ञान दे दूं, समझा दूं, पर करना सब कुछ आपको ही पड़ेगा, अंतिम शक्ति यही है। इसलिए आप जितना हम बोल रहे हैं उतना करना स्टार्ट कीजिए, जब इतना करने लग जाएंगे अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। मन को शांत करने के लिए क्या करना है? शांत करने के लिए को एकाग्र खुद को होना है, यहाँ वहां से मन को हटाना है, कथाएं सुनते रहिए पर पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाइए, ठीक है? आपको ही करना पड़ेगा। हेलो गुरुजी, ये पानी बहुत पिलाती है, चार चार बाल्टियों से नहाती है। तो पानी पीती है? नहीं, नहाने में बहुत पिलाती है, टोटी खोल लेती, खुली छोड़ देती है, फिर तो एक घंटे तक इसको। अरे तो पानी तो वेस्ट नहीं करना चाहिए बेटा, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अब नहीं करेगी, ठीक है? और इसकी बहन है ना थोड़ी छोटी है, तो ये उसका मजाक भी बना देती है गुरुजी। अच्छा, तो ये कौन सी एवरेस्ट की चोटी है? तो ये कहती है तू बोन नहीं है, कभी कभी ऐसे करके इनकी दोनों की लड़ाई हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के स्वरूप पर कमेंट नहीं करना चाहिए कि आप बड़े काले हैं, अरे ये तो लंगड़ा है, ये तो अंधा है, ये तो छोटा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी कभी सरस्वती आकर बैठ जाती है, और जैसा आज उसके लिए हम हंस रहे हैं कल वो चीज हम पे आ जाती है, ठीक है? इसलिए हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तीनों उनको आशीर्वाद दे दो, खुश रहो, खुश रहो। इनको माइक दो। गुरु जी राधे राधे।